कल न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से इतनी शर्मनाक हार के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता बहुत ही आसान कर चुकी है और खुद दलदल में फंस गई है। बता दें तो दक्षिण अफ्रीका की कल की जीत ने पाकिस्तान को 2023 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाने के लिए एक लाइफ लाइन दे दी है। अब जो टॉप की 5 टीमें हैं अफ्रीका और हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो सेमीफाइनल में आ गए हैं। 3, 4 और 5 की आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है, और न्यूजीलैंड के 7 मैच में 4 जीत हैं, ऑस्ट्रेलिया की वहीं 6 में 4 जीत हैं और पाकिस्तान की 7 में 3 जीत हैं। अब इन 3 टीमों के बीच तीसरे और चौथे पोजीशन की लड़ाई है। देखिए, अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो खेला जाना है 4 नवंबर को। पाकिस्तान अगर इस मैच को जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान के 8 मैच में 4 जीत हो जाएंगी, और वहीं न्यूजीलैंड उस मैच को हारती है तो उनकी भी 8 मैचों में 4 जीत रहेंगी। हालांकि तब भी जो नेट रन रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। अब लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जा सकता है। वो कैसे? बहुत ही सिंपल रहेगा। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो पाकिस्तान को सिर्फ ये प्रे करना होगा कि वो जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है उसमें श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर न्यूजीलैंड हार जाएगी तो उनका जो आखिरी मैच के बाद भी वो 9 मैच में 4 जीत के साथ 8 पॉइंट्स पर रह जाएंगी जो अभी खड़ी है। और पाकिस्तान को फिर एक करिश्मा करना होगा, वो ये कि उनको इंग्लैंड जैसी एक मजबूत टीम को हराना होगा। अगर वो हरा देंगे तो फिर पाकिस्तान के 9 मैच में 5 जीत हो जाएंगे और 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि वो न्यूजीलैंड से आगे आ जाएंगे। यानी कि अब पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर चांस है 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का। बस उनको अपने हर मैच जीतने होंगे और उनको ये दुआ करनी होगी न्यूजीलैंड अपने सारे मैच हार जाए और ये अपने सारे मैच बेहतर रन रेट के साथ जीत जाए। अभी आगे अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड के भी चांस है कि वो सेमीफाइनल तक आ सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ से अगर न्यूजीलैंड सभी मैच अपना हारता है तो फिर पाकिस्तान के टॉप 4 में चांस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि टॉप 4 की टीमें क्या होंगी, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड गुड बाय।